हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर का भी स्टडी मटेरियल आपको YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो, रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि मेटाथीसिस वर्ड का क्या मतलब है और एल्कीन मेटाथीसिस क्या होती है। तो यहाँ जनरल हम पहले डिस्कस करेंगे मेटाथीसिस। मेटाथीसिस का मतलब अगर देखें तो अदल बदल करना, एक्सचेंज करना। मतलब हमारे पास दो मोइटी, उन दोनों मोइटी में इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट एक्सचेंज कर, अदल बदल कर देते हैं। इस प्रोसेस को मेटाथीसिस कहते हैं। और अगर ये प्रोसेस एक एल्कीन में होती है तो एल्कीन मेटाथीसिस, और अगर ये प्रोसेस एक एल्काइन में होती है तो एल्काइन मेटाथीसिस, और अगर ये प्रोसेस एक एल्काइन और एक एल्कीन के बीच में होती है तो इसे इनायन मेटाथीसिस कहते हैं। तो मोइटी जो हम ले रहे हैं उसके बेसिस पर अगर देखें तो मेटाथीसिस, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि मेटाथीसिस में तो ये लैंग्वेज में भी यूज होते हैं, हिंदी के अंदर भी यूज होते हैं। जैसे शब्दों के उच्चारण का अदल बदल करना भी मेटाथीसिस होता है। लेकिन केमिस्ट्री के बेसिस पर देखें तो जो मोइटी ले रहे हैं उसके बेसिस पर देखें तो एक हो गया एल्कीन मेटाथीसिस, एल्काइन मेटाथीसिस और इनायन मेटाथीसिस। इनायन देखना, इन और आयन, मतलब एक मोइटी आपकी एल्कीन होगी दूसरी एल्काइन। ध्यान रखना, अभी रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस आगे पढ़ेंगे। तो अभी जनरल मेटाथीसिस का डिस्कशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है मेटाथीसिस, कितने तरह की हो सकती है। तो ये मोइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटाथीसिस या एक्सचेंज जो हो रहा है वो कौन सी मोइटी के बीच में हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो उस आधार पे एल्कीन मेटाथीसिस, एल्काइन मेटाथीसिस और इनायन मेटाथीसिस हो गए तीन। सिंपल सा एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि एल्कीन मेटाथीसिस क्या होता है, जैसे मैंने एक यहाँ एल्कीन ये ले लिया और एक एल्कीन मैंने ये ले लिया, दो यहाँ पर एल्कल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। तो दो एल्कीन के बीच में यहाँ पर अगर देखें तो ग्रुप का एक्सचेंज कैसे होगा, ध्यान देना। दोनों एल्कीन वाले कार्बन, दो कार्बन इसके, दो कार्बन इसके, चार कार्बन। अब इनमें अगर मैं यहाँ डायरेक्ट मैकेनिज्म प्रोसेस अलग होती तो यहाँ अगर देखें इस तरह से दोनों मोइटी के पार्ट अलग होंगे। ये CH2 है, ये भी CH2 है, तो CH2 CH2 के बीच में डबल बॉन्ड वाला ये पार्ट अलग हो जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपका यहाँ बनने वाली नई मोइटी ये हो सकती है। स्टीरियो केमिस्ट्री पे हम फोकस नहीं कर रहे, सिस बनेगा ट्रांस बनेगा ये बाद की बातें हैं। प्लस दूसरा हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CH2 CH2। तो सबसे ज़्यादा यूज ये एल्कीन मेटाथीसिस यूज क्या होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, एक लोअर एल्कीन से हायर एल्कीन बनाने के लिए। मान लेते हैं ये आर ग्रुप जो है ये लॉन्ग कार्बन चेन है, लेकिन यहाँ ये CH2 है, ये भी लॉन्ग कार्बन चेन है। अब दोनों लॉन्ग कार्बन चेन वाले मोइटी जो पार्ट हैं वो दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, तो उस एल्कीन के नंबर ऑफ कार्बन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो हायर एल्कीन बनाने के काम आता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है ये। लेकिन इसकी खास बात क्या है, इतना आसान नहीं है कि हमने एल्कीन लिया और ये बन गया। इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है यहाँ काम आने वाला कैटलिस्ट। सभी मेटाथीसिस के अंदर मेन रोल जो होता है वो इस कैटलिस्ट का होता है। कैटलिस्ट के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और वो कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट होगा कोई ना कोई, और उसका कॉम्प्लेक्स होता है, उसके थ्रू ही ये रिएक्शन होती है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका कैटलिस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2005 में 2005 में मेटाथीसिस में काम आने वाले कैटलिस्ट या उन पर स्टडी करने वाले या कैटलिस्ट बनाने वाले साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और कैटलिस्ट का रोल कितना महत्वपूर्ण है इसके अंदर। तीन साइंटिस्ट को
नोबेल प्राइज मिला था, इसको हम रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस में डिस्कस करेंगे। वो तीन साइंटिस्ट कौन कौन से हैं और उनमें से दो साइंटिस्ट के नेम पर तो कैटलिस्ट भी चलते हैं, बहुत फेमस कैटलिस्ट है। अब देख लेना एक्सचेंज कैसे हुआ, इस एल्कीन का ये सी एस टू वाला पार्ट, इस एल्कीन का ये सी एस टू वाला पार्ट, तो इस ए सी एस टू इधर जुड़ा और इधर वाला पार्ट इधर जुड़ा, एक्सचेंज हुआ मेटाथेसिस। किसके बीच में हो रही है, एल्कीन, तो एल्कीन मेटाथेसिस। ऐसे ही एल्काइन होगी और ऐसे ही इनाइन, हमारे सिलेबस में रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस है तो हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। अब बात करते हैं कि एल्कीन मेटाथेसिस भी अगर देखें तो कितने प्रकार की होगी, मेनली देखें तो तीन प्रकार की। पहली एसाइक्लिक एल्कीन मेटाथेसिस, देखो ये दोनों ही मोटी जो है एसाइक्लिक सबस्ट्रेट ले रहे हैं अपन, साइक्लिक ने तो ये साइक्लिक एल्कीन है ना, ये साइक्लिक है तो ये मेटाथेसिस क्या कहलाएगी, एसाइक्लिक मेटाथेसिस, जो सिंपल हो सकती है, मतलब दोनों मोटी सेम है, दोनों एल्कीन सेम है, सिंपल एसाइक्लिक मेटाथेसिस, या हो सकती है एसाइक्लिक क्रॉस मेटाथेसिस, क्रॉस मतलब दोनों एल्कीन डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका ड्रॉबैक भी पढ़ेंगे कि इसमें कमी क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसके क्या क्या प्रॉब्लम इसमें जब रिएक्शन कराते हैं क्या प्रॉब्लम्स इसमें आती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल एसाइक्लिक क्रॉस मेटाथेसिस हो गया। दूसरा मेटाथेसिस होता है रिंग ओपनिंग, ध्यान देना हमारे सिलेबस में रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस है, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस भी होती है, जिसे रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मेटाथेसिस भी कहते हैं, ROMPV कहते हैं, मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो तीन मुख्य तरह से अगर देखें तो एल्कीन मेटाथेसिस तीन प्रकार की होती है, तो अब मैं उन तीनों को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि तीनों मेटाथेसिस किस तरह से हो रही है। हम यहाँ एल्कीन मेटाथेसिस पर फोकस करेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ अगर हम देखें एल्कीन मेटाथेसिस से ओलेफिन मेटाथेसिस कहते हैं, मैंने आपको एक टेस्ट पेपर बना के दिया था और उस टेस्ट पेपर में मैंने एक टर्म दी थी, उसको डिफाइन करना था आपको, ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रही थी, बस इसको डिफाइन करना था, एक एग्जाम्पल लेना था और कुछ नहीं करना उसके अंदर। ओलेफिन मेटाथेसिस जो मैंने पढ़ाया नहीं था लेकिन फिर भी आप लोग कर लोगे इसको, कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके नकल करके या आता होगा किसी को या बुक्स में से पढ़ के, तो कम से कम पता तो लगा टर्म का, आज उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एल्कीन मेटाथेसिस अगर देखें तो सिंपल एसाइक्लिक मेटाथेसिस, एल्कीन मेटाथेसिस, और दूसरा रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस, और थर्ड जो हमें पढ़ना है डिटेल से रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस। तो ये तीन तरह की होते हैं जनरली। एसाइक्लिक का एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था, अब दोनों मोटी एसाइक्लिक है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक साइक्लिक एल्कीन ले ली, ये हमारा सबस्ट्रेट होगा, रिएक्टेंट हो गया, स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, रिएक्शन हम करा रहे हैं, यहाँ पर्टिकुलर वही ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट ले रहे हैं, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, बट कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने पहले। रिंग ओपनिंग होगी और रिंग ओपनिंग होने के बाद में दोनों टर्मिनल पोजिशन पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा, मैकेनिज्म इस तरह से एक मोइटी जनरेट होती है, लेकिन ये मोइटी यहीं तक सीमित नहीं रहती, आगे फर्दर इसमें और मेटाथेसिस हो जाती है, अपने ही मेटल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ये जुड़ जाते हैं और एक पॉलीमराइज स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ पॉलीमराइजेशन होता है, पांच कार्बन आपको दिख रहे होंगे और वही पांच कार्बन अपन यहाँ पर लिए हैं और यहाँ पर ये ऐसी ही मोइटी और फर्दर जुड़ती जाती है, कंटिन्यू मैकेनिज्म चलती रहती है, तो ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मेटाथेसिस, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मेटाथेसिस, जिसको रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ROMP के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देना इसको ROMP शॉर्ट में इसको कहते हैं, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन,
क्योंकि एयरिंग ओपन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो पॉलीमराइज होता है, अपनी इमोइटी के साथ कंटिन्यू जुड़ता जाता है, उसमें मेटाथेसिस प्रोसेस होती जाती है कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर ये एल्कीन बन गया, अब इसमें एल्कीन मेटाथेसिस होता जाता है। तो ये हो गया रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस का पार्ट। अब जो हमारे सिलेबस में है, जिसे हमें ज़्यादा फोकस करना है और डिटेल से पढ़ना है, वो है हमारे सिलेबस का पार्ट रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस। अब रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस नाम से ही पता लग रहा होगा, मेटाथेसिस का मतलब तो समझ में आ गया आपका, एक्सचेंज हो रहा है एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ एक्सचेंज होना है, वो एसाइकिल में इजीली समझ में आ जाता है। अब रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस की बात करते हैं, जो हमारे सिलेबस में भी दे रखा है। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर रिंग बनेगी, जनरेट होगी एसाइक्लिक मोइटी से, हम साइक्लिक मोइटी बना रहे हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना इतना आसान नहीं होता। रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस। अब रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस का एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये होती क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक कंपाउंड लिया है, यहाँ मैंने एक नाइट्रोजन कंटेनिंग एक कंपाउंड लिया है, जो आपको यहाँ पर TS जो दिख रहा है ये टॉसाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, ये अपन को देखना है, ये आपका एसाइक्लिक मोइटी। यहाँ हमने क्या ले लिया, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट या कॉम्प्लेक्स, और पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्या होंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। कार्बीन कॉम्प्लेक्स होते, ध्यान देना, इसे मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं या मेटल एल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कार्बीन कॉम्प्लेक्स के बिना ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, कोई भी मेटाथेसिस बिना कार्बीन कॉम्प्लेक्स के प्रोसीड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अब रिंग क्लोजिंग किस तरह से होगी, बनने वाला कंपाउंड आपका ये होगा। अगर हम देखें तो मेटाथेसिस कैसे हो रही है, इंट्रामोलिकुलर, कैसे, एक एल्किन पार्ट आपका ये हो गया, एक एल्किन पार्ट आपका ये हो गया, दो हो गए एसाइक्लिक में, दोनों अलग अलग कंपाउंड थे, यहाँ एक ही कंपाउंड में यहाँ पर दो पार्ट हो गए, दो एल्किन मोइटी हो गई। इस मोइटी का ये CH2 और इस एल्किन का ये CH2, इसका CH2 इससे जुड़ा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन मॉलिक्यूल या एथीन मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, ठीक है। अब बचा कौन सा, यहाँ ये CH2 बचा और ये CH2, डबल बॉन्ड आपका मेंटेन रहेगा, मैकेनिज्म इसके डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि डबल बॉन्ड कैसे जनरेट होता है, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती मैकेनिज्म में, फिर नया कार्बिन कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर 2 इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन वापस से होती है, और लास्ट स्टेप में रिवर्स 2+2 साइक्लोएडिशन होती है, 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट यहाँ पर 4-मेंबर्ड मेटल कंटेनिंग इंटरमीडिएट बनता है, जिसे मेटल ऑफ ब्यूटेन भी कहते हैं, जो मेटल इंटरमीडिएट बनता है, जो मेटल हम ले रहे हैं उसी के साथ में। तो देखना कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दो कार्बन CH2 CH2 के फॉर्म में ये अलग हो गए, तो ये हो गया आपका रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस। ध्यान देना यहाँ पर ये मोइटी क्लोज हो रही है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक रिंग बन रही है, इसलिए इसे रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस कहते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने आपको डिस्कस किया है। तो आज का जो ये डिस्कशन है सिर्फ मेटाथेसिस के बारे में है कि कितने प्रकार की होती है, क्या होती है मेटाथेसिस, एल्कीन एल्काइन इनाइन, तीन तो ये हो गए। पर्टिकुलर एल्किन मेटाथेसिस की बात करें तो एक तो आपका हो गया एसाइक्लिक, दूसरा हो गया रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन, जिसको ROMP कहा था, और तीसरा रिंग क्लोजिंग एल्कीन मेटाथेसिस, जो हमारे सिलेबस में अब इसमें डिस्कस करेंगे। ये तो हुआ जनरल मैकेनिज्म, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, अगर आपने पहचान लिया कि मेटाथेसिस का पार्ट है तो प्रोडक्ट इजीली बना सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट। तो अब मैं वो कैटलिस्ट के नाम बता रहा हूँ जो मेटाथेसिस में हम काम में लेते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, रूथेनियम मेटल हो,
मोलिब्डेनम मेटल, टंगस्टन ज़्यादातर यही काम में लिए जाते हैं। और सबसे फेमस कैटलिस्ट जो है इसके लिए काम में लेते हैं वो है ग्रब्स कैटलिस्ट। ग्रब साइंटिस्ट का नेम, रूथेनियम का कॉम्प्लेक्स इसने बनाया था और वो लेते हैं तो तुरंत आपका मेटाथेसिस प्रोसेस हो जाती है। और दूसरा आपका स्ट्रोक कैटलिस्ट, दूसरा आपका जो कैटलिस्ट होगा वो आपका स्ट्रोक कैटलिस्ट होता है। और इसमें जो काम में लेने वाला जो मेटल होता है वो आपका मोलिब्डेनम मेटल होता है, मोलिब्डेनम। तो यहाँ ये कौन सा मेटल काम में लेते हैं? मोलिब्डेनम। और यहाँ काम में लेते हैं रूथेनियम मेटल काम में लेते हैं दो। उसके बाद में इन कैटलिस्ट में और मॉडिफिकेशन हुए, जैसे ग्रब्स कैटलिस्ट के बाद फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट, फिर बाद उसके बाद मॉडिफिकेशन होकर अच्छी एक्टिविटी शो करने वाला कैटलिस्ट बना है, वही मेटल काम में लेकर के रूथेनियम, उसे बोल देते हैं सेकंड जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट। इन दोनों साइंटिस्ट को 2005 में नोबेल प्राइज मिला था एल्किन मेटाथेसिस के लिए, और एक कैटलिस्ट बनाने के लिए जिसे रिंग क्लोजिंग, रिंग ओपनिंग या एसाइक्लिक मेटाथेसिस, सारी रिएक्शंस करा सकते हैं मेटाथेसिस की कोई भी रिएक्शंस, बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं, नोबेल प्राइज मिला इनको 2005 में। और एक तीसरा साइंटिस्ट और था, इसके नाम से कोई कैटलिस्ट तो नहीं था लेकिन उसने पूरे मेटाथेसिस की रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रपोज किया, उसकी मैकेनिज्म बहुत डिटेल स्टडी दी उसकी, चौविन साइंटिस्ट का नाम है, वाई चौविन। इन तीनों साइंटिस्ट को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला 2005 में। तो कल या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रब्स कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और इस रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस की मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? पहला रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस, उसमें काम आने वाले मेटाथेसिस कैटलिस्ट ग्रब्स कैटलिस्ट, स्ट्रोक कैटलिस्ट दोनों, और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और फिर पढ़ेंगे रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस की मैकेनिज्म, और उसके बाद में हम लेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। तो कल रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने जो टेस्ट पेपर आपको WhatsApp ग्रुप में भेजा था वो आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, रिएक्शन को पहचान सकें, और कम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें प्रोडक्ट कैसे हो, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए वो भेजा था। तो आप सोल्व करना, लिख के उसको सोल्व करना, और उसकी PDF मुझे WhatsApp कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।